अध्यक्ष महोदय, 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक परिवर्तन हुआ, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था, और तदुपरांत 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है, उसके परिणाम स्वरूप आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक बदला हुआ दृश्य है, बदला हुआ मंजर है, बदली हुई फिजा है, माहौल और वातावरण बदला हुआ है, सरकारी दफ्तरों में कामकाज की शैली, कामकाज की संस्कृति, वर्क कल्चर बदला हुआ है, जमीन पर चलते हुए कामों की रफ्तार बदली हुई है, और सबसे बड़ी बात कि जहनियत, मानसिकता में भी बदलाव आने लगा है। आज एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है, एक नई हसरत ने जन्म लिया, एक नई आकांक्षा ने जन्म लिया, एक नई एस्पिरेशन ने जन्म लिया है। वो तमन्ना जो कहीं 70 वर्ष में खो बैठी थी, उसने आज फिर से एक बार अंगड़ाई ली है। वो आरजू जो कहीं अंधेरे की घुटन में सो गई थी, उसने आज फिर से जागने का साहस किया है। ये बातें मात्र कहने सुनने की नहीं, ये समझने की है, महसूस करने की है। जो उस धरती से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने झेला है 60-70 वर्ष की आपदा को, वो इसे समझ सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नया स्वप्न देख रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा राज है प्रधानमंत्री जी की वो संवेदनशीलता, वो प्राथमिकता जो उन्होंने सदा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रति व्यक्त की है। हम ये कैसे भूल सकते हैं अध्यक्ष जी, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 2014 में अपनी पहली दीपावली मोदी जी ने अपने आवास पर नहीं बताई थी। ये बातें आसानी से भूल जाती हैं, इसका कभी उल्लेख भी नहीं होता। अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पहली दीपावली अपने आवास पर ना मना करके कश्मीर घाटी के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में मनाई। आप जानते हैं हिंदुस्तानी समाज में दीपावली का क्या महत्व होता है, विशेषकर पहली दीपावली। और आज भी 2020 में भी इस साल का योग दिवस प्रधानमंत्री 15,000 फुट की ऊंचाई पर ले लद्दाख में मनाने वाले हैं। 7 नवंबर 2015 को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को दिया, इसकी घोषणा श्रीनगर में एक सभा में की गई। अब इसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ, वो मैं कुछ क्षणों में बात करता हूं। राजा जी कह रहे थे, The question is how to change, and yes, that is precisely the question. The biggest challenge before the Modi government and Prime Minister Modi was how to change it, and the process of change could not have started without the change of the constitution that happened on the 5th and 6th of August 2019. And ये महज एक इत्तफाक नहीं है कि 5 अगस्त से लेकर के आज तक 8 महीने जिस तरह से अमनो अमान और शांति से गुजरे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आई कैन चैलेंज एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा, लेट अस गो बैक इनटू द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ मिलिटेंसी। देयर इज नॉट बीन अ सिंगल फेस ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ 8 मंथ्स विच वॉज मोर पीसफुल देन दीज 8 मंथ्स विच आर जस्ट कंक्लूडिंग। And this has been one of the most festive seasons, the most peaceful festive seasons in the history of 30 years of this nightmare of terrorism which Jammu and Kashmir and Ladakh went through. Is Dauran Eid bhi aayi, is Dauran Muharram bhi aayi, is Dauran Deepavali bhi aayi, is Dauran Holi bhi aayi, is Dauran Swatantrata Divas bhi aaya, is Dauran Ganatantra Divas bhi aaya, kabhi hua aisa? It was virtually assumed as a norm
But on the eve of a Republic Day, on the eve of an Independence Day, on the eve of, they had to be happening something, and the erstwhile governments would give this explanation. कि साहब त्योहार का मौका था, पाकिस्तान ने अपनी शरारत करने का मुजाहरा किया. We did not take refuge in that alibi. We made sure that is checked, and that is the change. हमने वो बहाना नहीं बनाया कि साहब ये पाकिस्तान तो हर साल शरारत करता, इस बार भी किया, हो गया इसलिए. That was an apologetic explanation all along being given by the erstwhile governments. और अभी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोगों को डिटेंशन में रखा गया. मनीष जी ने भी आतंक का बहुत लंबा समय देखा है, झेला भी है उनके क्षेत्र में. If we go into the statistics of the last 30 years, the number of detainees today is least in the last 30 years. ये चंद एक मीडिया में जो हमारे बुद्धिजीवी बैठते हैं या राजगुरु बैठते हैं उनकी बनाई हुई कहानियां हैं, क्योंकि रात को फिर 9 बजे डिबेट नहीं हो पाती. Today we live in evidence based era. Let's go into the statistics. We have just about over 300 detainees right now from Jammu and Kashmir. And you go back right from 1990 till today. अब चिंता है दो तीन नामों की. That doesn't count the numbers. अब कहा गया, and हम ये इतनी आसानी से भूल गए. 40,000 लोग मारे गए 30 साल में. उनकी कोई चिंता नहीं, उनका कोई परिवार नहीं, उनका कोई भाई बहन नहीं, कोई पत्नी औलाद नहीं. दो तीन परिवारों की चिंता है हमें. कहीं ऐसा ना हो, मुझे खौफ लगता है कि इतिहासकार हम पर यह इल्जाम लगाए कि हम इसलिए इन परिवारों की चिंता कर रहे थे क्योंकि हमारा भी इनके साथ मिली भगत था. वी आर ओपनिंग आवर सेल्फ टू अ डेंजरस एक्यूजेशन बाई द फ्यूचर हिस्टोरियंस बाई रिपीटेडली एंड कंटिन्यूअसली हार्पिंग ऑन वट एवर द इंटरेस्ट लाइज विद दीज टू और थ्री फैमिलीज एंड नॉट वॉदरिंग फॉर दोज 40,000 इनोसेंट्स हु गॉट किल्ड in this 30 years of turmoil. फिर बात हुई इंटरनेट की. आई डोंट विश टू कॉन्ट्रेडिक्ट, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट इफ एट ऑल इंटरनेट वॉज टोटली सस्पेंडेड, वॉज इन अ वेरी स्मॉल पॉकेट. इट वॉज नॉट इंटरनेट, इट वॉज मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क. In English language, no two words have same meaning. Well, there are worthies who know more, who are well versed in English language more than me. Disclosing does not mean revealing. Revealing does not mean unclosing. Two words may sound similar, but they are not similar. कितनी आसानी से कहते हैं, अरे साहब नेटवर्क बंद है, नेटवर्क बंद है, नेटवर्क. तो एक हवा चल पड़ी और उसके ऊपर रोज रात को डिबेट भी होती रही, without checking on facts. Even in the worst of times, beginning from August till recently, अब तो मोबाइल नेटवर्क भी बहुत सारे क्षेत्रों में खुल चुका है. ब्रॉडबैंड वॉज वर्किंग, लैंडलाइन नेटवर्क वॉज वर्किंग, वाईफाई वॉज वर्किंग. अब आप मुझे बताइए, आजकल तो यह रिवाज है कि मॉल में जब कोई नौजवान घुसता है तो जाते ही वो अपने मोबाइल से निकालता है और पूछता है, अगर वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होगा तो पूछता है क्या पासवर्ड है. That is a kind of trend. स्कूलों कॉलेजों में वाईफाई लगे हैं, कार्यालयों में वाईफाई लगे हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, और यह आपको कोई सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बताएगा, कि जब ये मिलिटेंट्स आर बींग चेस्ड और टेररिस्ट, दे यूज नेटवर्क टू फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स, एंड देर हैव बीन एविडेंशियल पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ दिस. लखनपुर एक जगह है मनीष जी के और मेरे क्षेत्र के बीच की, दैट इज द एंट्री पॉइंट बिटवीन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर. वहां से तीन मिलिटेंट भाग रहे थे एंड दे कुड हैव कॉज्ड अ कैटास्ट्रोफी. दे वर चेस्ड, दे वर नैब, दे वर लिक्विडेटेड बिकॉज दे कुड नॉट फाइंड देयर स्क्रीट अ गोल. अदरवाइज देयर इज अ सेट एसओपी विद द टेररिस्ट विच कीप्स इवॉल्विंग. The moment a terrorist starts moving out, he connects his
network and he is guided by his coordinates. Similarly, in my own constituency, Kishtwar mein killing hui thi Parhar brothers ki. The culprits were being chased. They ran into national highway into a place called Batot. They lost their way. उन्होंने रास्ते में एक नौजवान की गाड़ी रोकने की कोशिश की. नौजवान बहुत तेज था, तेजी से गाड़ी निकाल करके आगे चला गया. सीआरपीएफ कैंप में जाकर के उसने रिपोर्ट किया. सीआरपीएफ स्टार्टेड चेजिंग हिम अगेन, चेजिंग देम अगेन. दे गॉट कंफ्यूज, आउट ऑफ बिविल्डरनेस दे एंटर्ड इन टू द हाउस ऑफ अ कॉमनर एनी एट रैंडम हु इंसिडेंटली हैपन टू बी वन ऑफ आर कार्यकर्ता एंड वन ऑफ द बूथ इंचार्जेस ड्यूरिंग माई इलेक्शन. But they did so because they had lost the way. Meanwhile, the security forces could nab them. The person who was held hostage was rescued and they were liquidated. और बार बार ये कहा गया है. अब चिंता यह है कि साहब वो तीन लोगों को अंदर रखा. अब मैं नहीं जानता, कुछ लोगों का यह भी कहना है, लेकिन मैं नहीं कहता क्योंकि इस बात पर भी विवाद हो जाएगा कि चूंकि इनको अंदर रखा इसलिए आठ महीने शांतिपूर्वक गुजरे. Because the potential troublemakers were inside. I am not making that statement. I am saying there is a section of opinion. If you could quote, if you could quote from newspapers, which is not expected in the parliament, on the floor of parliament, can I not say in all humility that there is a section of opinion which believes so? You can contradict it. Anyway, no, I am not yielding. Mantri ji ke siva kuch bhi record mein nahi jayega. The question was raised that why I'm coming to that, don't worry, because that will then disturb you even more, so that I kept it towards the end. Kyunki shuru se hi main nahi chahta mera bhashan disturb ho jaye. So let me keep the more unpleasant things towards the end. So Manish ji knows that. Anyway, now coming back to where we were. Free access kabhi deny nahi hua. Haan, agar koi upadrav ke irade se jata hai, toh main bhi jata hoon, koi aur bhi jata hai, toh hai. None of us has a right to go and create trouble or to create strife. 144 लगी थी, कभी कर्फ्यू नहीं लगा. यह भी यहां भ्रम फैला दिया गया कि साहब वहां कर्फ्यू है. अगर आप कोरोना वायरस के लिए 144 लगा सकते हैं तो क्या आतंक पर अंकुश लगाने के लिए 144 नहीं लगा सकते? हम कहां इस देश को ले जा रहे हैं? मैटर ऑफ फैक्ट टुडे इज सर, the prophets of doom have been proved wrong, and that is their agony. वो कहते थे ज्वालामुखी फूट जाएगा, कहते थे भूकंप आ जाएंगे. अब मैं नहीं कह सकता वो सब क्यों नहीं हुआ. फिर कहेंगे कि आप कहेंगे कि क्योंकि वो अंदर से इसलिए नहीं हुआ. और जहां तक आंकड़ों का संबंध है, छात्रों की दशा पर चिंता व्यक्त की गई. अभी आंकड़े ये जतलाते हैं कि नीट का इम्तिहान हुआ और जेई आईआईटी के दोनों इम्तिहान, विच आर वेल नोन ऑल इंडिया एट दिस, एंड दैट वाज इमीडिएटली इन द आफ्टरपाथ ऑफ दिस चेंज ओवर. 26,000 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया. मुझे लगता है आई वुड लाइक समबडी टू डू अ कंपेरेटिव ट्रायल विद सम ऑफ द सेंटर्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. 98% दिस कुड बी मोर हायर देन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अटेंडिंग. प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द छात्रास और द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर. उनका बहुत पोटेंशियल है और एस्पिरेशन है. पुलिस का इम्तिहान हुआ है, 100% अटेंडेंस. और फिर इन्फिल्ट्रेशन हैज कम डाउन बाय 43%, लोकल रिक्रूटमेंट डाउन बाय 50%. आई एम गिविंग यू द फिगर्स विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. एंड अब चिंता हुई सेब खाने वालों पे कि सेब नहीं मिला. अभी पहले यह भी कहा गया कि साहब सेब सारा हो गया. सेब तबाह हुआ करता था,
बागीचे जला दिए जाते थे, एक्सटॉर्शन होती थी। इस साल पहली बार, एंड आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट द होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, ऑन हिज पर्सनल इंटरवेंशन अ नॉवल एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट एंड वी हैड अ रिकॉर्ड सेल ऑफ 90 लाख मीट्रिक टन। इट वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द एप्पल ग्रोथ एंड द मनी वॉज पेड डायरेक्टली थ्रू द डीबीटी। हां, क्योंकि बिचौलिए खत्म हो गए इसलिए इसका एक मुद्दा बनाया गया, बिकॉज दोज हैंडफुल ऑफ पीपल हु हैड बीन होल्डिंग जम्मू कश्मीर टू रैनसम एंड हु वर इन टू अ नेक्सस वर पार्टली डिडंट गेट द बेनिफिट ऑफ आइदर ईटिंग एप्पल और सेलिंग एप्पल। बट एडम्स एप्पल रीच्ड वेयर इट हैड टू रीच। अब आई बात यूनियन टेरिटरी की। अब ये कहा जाता है सब ये क्या बना दिया, रुतबा कम हो गया। वैसे तो गृहमंत्री जी बार बार कह चुके हैं, इस सदन में भी बाहर भी, कल भी उन्होंने कहा कि जैसे ही उचित परिस्थिति सामने आएगी इसको पुनः स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। दैट इज ऑन रिकॉर्ड व्हाट द होम मिनिस्टर इज रीट्वीटेड मोर देन वंस। बट हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू, द डिसीजन टू क्रिएट अ यूनियन टेरिटरी वॉज डन आफ्टर ड्यू डिलीजेंस एंड आफ्टर अ सीरियस थॉट। ये नहीं है कि ऐसे ही बैठे बैठे चलो जी इसको यूटी बना दो। एंड द पॉजिटिव आउटकम्स आर विजिबल जस्ट विद इन 48 आवर्स एंड आई टेल यू हाउ विद एविडेंस। आई एम नॉट अटरिंग अ सिंगल सेंटेंस विदाउट एविडेंस। इन द फर्स्ट 36 आवर्स द रेट ऑफ सीमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर वेंट डाउन बाई 7,000 रुपीज पर क्विंटल। एंड यू नो हाउ, हम तो सुनी सुनाई बातें, थोड़ा सा हम अपने आप को अखबारों से एजुकेट कर लेते हैं और थोड़ा टीवी से। लखनपुर की टोल पोस्ट जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की एंट्री पोस्ट है, इन स्पाइट ऑफ जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड दैट कंटिन्यूड फंक्शनिंग। व्हाट बिजनेस डिड इट हैव? कितने प्रयास किया था स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने। इट वॉज ऑलवेज हैवी ऑन हिज हार्ट, ही वॉज रिपीटेडली राइटिंग टू द चीफ मिनिस्टर, इवन वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड देन निर्मला जी ऑल्सो, बट दी देन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू बच। क्यों? क्योंकि जो आपका लोकल सीमेंट बेचने वाला है उसका बैग बिकता रहे, टोल हट जाएगा तो बाहर का सीमेंट भी आ जाएगा, देर बी ए कॉम्पिटिशन। दिस वॉज अ पॉजिटिव आउटकम विद इन 36 आवर्स। सॉरी, वी वर हेयर, that's what I am telling you, that is the positive out, that is why it was converted into UT. Yes, no, no, I am giving you the outcomes of the UT having come into being, because now it reports directly to the Ministry of Home Affairs. और यदि हमारा संकल्प यह है कि हमने आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, तो हमें क्या अधिकार है कि हम आम नागरिक को उस सुविधा से, उस लाभ से वंचित रखें जो देश के बाकी नागरिकों को उपलब्ध है। आपने सेंट्रल लॉज की बात की, जगदम्बे जी ने उस पर इशारा किया, 520 सेंट्रल लॉज हैव बिकम एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एंड 37 ऑफ द कंक्रेंट लिस्ट लॉज नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड। और आपको मालूम है कि आदमी चौंक जाता है कौन कौन से लॉज थे जो वहां पर लागू नहीं किए गए थे। वो तो बाद की बात है, उससे भी ज्यादा एक संवेदनशील चाइल्ड मैरिज एक्ट। आई वंडर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनीबडी वुड हैव ऑब्जेक्शन टू इंप्लीमेंटिंग चाइल्ड मैरिज एक्ट अनलेस देर इज सम डूबियस मोटिव टू कीप सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। नो, आई एम गिविंग यू द एंटायर लिस्ट, आई एम बिगनिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग टू द ओल्ड पीपल ऑल्सो। No, no, no. Sugata da, I am coming to your age group also. I am beginning from you. Just watch. एक मिनट, आइए आइए, शुरू करेंगे। आ रहे हैं उसी दिन आ रहे हैं। उसके बाद थोड़ी आप, आई एम कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ टू सुगाता दास एज ग्रुप। डाउरी एक्ट। एक मिनट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। एक मिनट, राइट टू एजुकेशन। अभी मैं आगे आ रहा हूं ना, अभी
बाल अवस्था से किशोर अवस्था फिर वृद्ध अवस्था, ये किशोर अवस्था वाले बता रहा हूं। एल्डरली का देर इज एन एक्ट फॉर द केयर ऑफ एल्डरली। अगर कोई बेटा जाकर के ये रिपोर्ट करता है कि मेरे माता पिता मेरे उचित व्यवस्था नहीं करते, या कोई बुजुर्ग कहता है कि बेटा अपनी बीवी के कहने पर मुझे तंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होता है, वो वहां लागू नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी 73 एंड 74 अमेंडमेंट फॉर द लोकल बॉडीज। आज पहली बार 5000 से ज्यादा पंचायतें गठित हुई हैं, चुनाव हुआ शांतिपूर्वक ढंग से, 9960 काउंसिलर्स नियुक्त हुए या निर्वाचित हुए, और बीडीसी का चुनाव 70 साल में पहली बार हुआ, और 73 और 74 संशोधन लगने के बाद जो राजीव गांधी ने लाया था, लेकिन उन्हीं की सरकार उसको लगाने के हक में नहीं थी। आज उस संशोधन के बाद द सेंट्रल ग्रांट इज रीचिंग डायरेक्टली टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और सरकारें उनकी थी, आई एम नॉट यील्डिंग, सरकारें उनकी थी जो दुहाई देते थे सेल्फ रूल की, जो दुहाई देते थे ऑटोनॉमी की। हट जाइए, मोर देन 95%। आप चेक कर लीजिए बीडी, आप चेक कर लीजिए। एंड सरकारें उन दलों की थी जो दुहाई देते थे आई एम नॉट यील्डिंग, जो दुहाई देते थे सेल्फ रूल की और ऑटोनॉमी की, सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की। एंड मैंने उस दिन कश्मीर में भी कहा कि सेल्फ रूल क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, अटॉर्मी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, पहली बार इसका एहसास मोदी जी ने करवाया है, उन पार्टियों ने नहीं जो सेल्फ रूल और अटॉर्मी की दुहाई देते थे। बिकॉज सेल्फ रूल हैज टू बी बॉर्न फ्रॉम द ग्रास रूट, द रूल ऑफ द सेल्फ ऑफ द ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द रूल ऑफ द सेल्फ ऑफ द फैमिली। अब आप बात कर रहे हैं जो कानून वहां लगाए गए, देवर ऑल्सो इन अ ट्रंकेटेड फॉर्म। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट was brought in government of India in 1988. It was amended recently through DOPT last year. In fact, in 2018, it was not applicable. Unka apna anti-corruption law. RTI ka ye alam tha ke bahar ka koi nagrik jaake wahan RTI nahi laga sakta. Sarkari karmchari. हमारा ये अनुभव है, इन द स्मॉल स्टेट्स, इन स्मॉल यूनिट टेरिटरीज, द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज कंप्राइज ऑफ दोज हु डिपेंड ऑन गवर्नमेंट सोर्सेज, द सैलरीड पीपल। सेवंथ पे कमीशन अब लागू हुआ है जाकर के, 4800 करोड़ रुपया उसमें फंडिंग हुई। टुडे दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ कवर, दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन लोन, दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ LTC। बाकी मैं बात दोहराऊंगा नहीं जो जगदम्बे जी ने कहा कि पश्चिम पाकिस्तान के नागरिकों को अभी तक नागरिकता अधिकार प्राप्त नहीं हुए, तो पहली बार हुए। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को अब मुआवजा मिलना शुरू हुआ, जिसका निर्मला जी के बजट में उल्लेख आ रहा है। इसी प्रकार कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज का पहली बार संवेदनशीलता और संजीदगी के साथ चिंता करने का क्रम शुरू हुआ। शेड्यूल ट्राइब को पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, पूरे हिंदुस्तान में थी वहां नहीं थी। पहाड़ियों को पहली बार मिली, सीमावर्ती क्षेत्र में इंटरनेशनल बॉर्डर, इसी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पार्ट ऑफ द बॉर्डर एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉर्डर, यू गेव रिजर्वेशन ऑफ 3% टू LOC बिकॉज यू आर गेटिंग योर MLAs एंड मिनिस्टर्स इलेक्टेड फ्रॉम देट, बट यू डिप्राइव द रेस्ट ऑफ द बॉर्डर जो पंजाब में आता है, जो पाकिस्तान के लगता है, जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वोट ही डालते थे। मैं तो ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से ना केवल मोदी जी ने डेवलपमेंट का एक नया उदाहरण स्थापित किया है, बट हैज ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिटिकल कल्चर इन दिस कंट्री। हमने वोट का सोच के नहीं किया। मिजोरम में हमने 10 लाख की पॉपुलेशन है, हमने इजराइल एडेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिट्रस फ्रूट पार्क शुरू किया। एक MP जो उनका आता है, ना वो सरकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। तो दिस इज अ मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्क कल्चर एंड न्यू पॉलिटिकल कल्चर इन दिस कंट्री। और इसी प्रकार की बात
आदरणीय वित्त मंत्री जी हमें समझाएंगी, 1 लाख करोड़ से अधिक बजट। अब कहते हैं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है कि मिल जाए तो मिट्टी है, खिलौना है, खो जाए तो सोना है। अगर नहीं देते तो यही सज्जन कहते क्या दिया, क्या दिया जम्मू कश्मीर, अब दिया तो कहते इससे क्या फर्क पड़ता। तो साहब आप चाहते क्या है? इवन इन दी अर्स्टवाइल अनडिवाइडेड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विच ऑल्सो इंक्लूडेड लद्दाख, वी डिडंट हैव सच अ ह्यूज बजट विच इज देयर टुडे बीन मेड अवेलेबल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड आउट ऑफ दिस 38% इज कैपिटल फंडिंग, आर्टिफिशियल बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड, देयर इज अ ह्यूज आउटरीच प्रोग्राम फॉर द इन्वेस्टर्स। और क्या आपको मालूम है कितने एमओयूज, लगभग 2000 करोड़ रुपए के एमओयूज इन्वेस्टर्स ने किए हैं। देर इज अ बी लाइन ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर कीन टू इन्वेस्ट एंड सेट अप देयर यूनिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड द न्यू इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव दैट इज गेटिंग विच इज अंडर प्लान विल अमाउंट टू अबाउट 13,000 करोड़ ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। टूरिज्म की बात की, पहली बार 3 रिलीजियस सर्किट्स आए हैं, एक शिव खोड़ी, एक शंकराचार्य, एक मधुमी। आपने पहले क्यों नहीं किए? शंकराचार्य तो हमसे और आपसे पहले ही पैदा हुए होंगे ना। हम मानते हैं कांग्रेस 150 साल पुरानी है, हमसे बहुत पुरानी है, लेकिन शंकराचार्य से पुरानी तो नहीं ना। क्यों नहीं सर्किट बनाया गया? क्योंकि शंकराचार्य के नाम पर आपका सेक्युलरिज्म खत्म हो जाता था। वी हैव नॉट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, वी हैव फॉलोड द अप्रोच ऑफ जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। जिसकी जहां कमी रह गई उसकी भरपाई करनी। और आप कहते हैं कि हालात की दुहाई देते हैं। नाउ लेट मी फॉर अ मोमेंट, जस्ट टेक हाफ अ मिनट रीड आउट सम ऑफ द फिगर्स एंड यू कैन अगेन चेक। जीएसटी कलेक्शन दिस ईयर अप बाय 13%, हालात खराब लेकिन ये हुआ। एक्साइज कलेक्शन अप बाय 7.5%, हालात आपके मुताबिक खराब लेकिन ये हुआ। आयुष्मान कार्ड जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक 3.5 लाख बनाए गए, बावजूद इसके कि इंटरनेट पर कुछ एक पाबंदियां थी। विकलांग पेंशन बढ़कर के 62% से 80% हुई। किसान क्रेडिट कार्ड 1,60,000 बनाए गए। पेंशन केसेस, 60,000 नए पेंशन केसेस लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिजीम में शुरू हुए। आखिर पहले भी तो किया सकते, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये सारा कुछ पहले भी तो हो सकता था। टूरिज्म कल्चर की मैंने बात की। आवास योजना, हैरत की बात है, 2018 तक प्रधानमंत्री का अद्भुत कार्यक्रम है ये, हाउसिंग फॉर ऑल, केवल 1,008 मकान बने थे और 2019 में 18 गुना बढ़ करके 18,534। सोशल मीडिया पर उस योजना के तहत पुराना और नया दोनों दिखाई जाते हैं, जैसे वो होता है ना बिफोर एंड आफ्टर, वो सलून वाले करते हैं जब वजन कम हो जाता है, वहां भी हम कर रहे हैं, पुराना मकान और दूसरा साथ में मकान, उसकी तस्वीरें चढ़ी हैं अगर किसी को शंका हो। फंड यूटिलाइजेशन अप बाई 48%, उज्ज्वला 100%, शौचालय 2.5 लाख। सवाल ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर हालात इनके मुताबिक बिगड़े हैं और ये सब हो रहा है तो परमात्मा करे हालात सदा बिगड़े ही रहे। लेकिन असल सवाल यह है कि यह कैसे संभव हुआ। आई थिंक दिस इज अ ह्यूज साइंटिफिक क्वेश्चन विच वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। यह इसलिए संभव हुआ कि पहली बार ईमानदारी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास हुआ, पहली बार लीकेज और पिलफरेज पर अंकुश लगाने का प्रयास हुआ। देर इज टूडे ई टेंडरिंग ऑल ओवर, नो वर्क परमिशन इज गिवन विदाउट एन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। पहले क्या होता था, 4 लोग मिलकर के काम शुरू कर देते थे, अपनी मर्जी से काम किया, अपनी मर्जी से पेमेंट करवा दी। ऑल द बिलिंग एंड द पेमेंट इज ऑनलाइन, देर इज जियो टैगिंग ऑफ वर्क बींग डन, ये सारा हो रहा है। आई विल वेलकम यू टू विजिट जम्मू कश्मीर एंड सी विद योर ओन आईज। जेम पोर्टल अब शुरू कर दिया गया है। अरे किसने रोका, किसने? हम नहीं, वो तो कोरोना रोक रहा है आपको, कोरोना के डर आपको रोक रहा है, हम नहीं रोक रहे। जी आई एम नॉट स्टैंडिंग बिटवीन यू, कोरोना इज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। ओके, नौ अब आई बात रोजगार की, मनीष जी ने भी बात की, राजा साहब ने भी बात की,
I'm sure Honorable Finance Minister Nirmala ji will be referring to that. In her budget, I went through this entire budget, 50,000 jobs. Lekin I still believe, I mean, though while complimenting her, that kisi bhi responsible government ki zimmewari hoti hai not only to create salaried jobs, to create employability. And I have to compliment her also for this, that there is a provision for startup loans up to 1 to 2 lakh without collaterals. तो 50,000 तो ये नौकरियों की बात कर रहे हैं. उसके अलावा इस प्रकार से न्यू स्टार्टअप जैसे हमने वेंचर फंड का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक नॉर्थ ईस्ट में किया था, उसी तरह की तर्ज पर विदाउट कोलेटरल्स यू आर गिविंग लोन्स. और मुझे यकीन है आप चिंता ना करिए, देखते ही देखते युवाओं की बेरोजगारी दूर हो जाएगी. कुछ एक नेता जिनको चिंता है उनकी हम गारंटी दे नहीं सकते. जहां तक डेवलपमेंट कामों का ताल्लुक है, जहां तक विकास का संबंध है, अनेकों रुके हुए प्रोजेक्ट पुनः शुरू किए गए और अनेकों जिनकी गति बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी थी उनकी गति बढ़ाई गई. शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, यू कैन गो टू गूगल, एवरीथिंग इज देयर गोगोई जी. फॉर 45 ईयर्स इट वॉज पुट इन कोल्ड स्टोरेज, डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट इज नाउ रिवाइव्ड. Is going to benefit both Punjab as well as Jammu Kashmir. In fact, I must compliment Captain Amrinder Singh, twice visited the site and he appreciated it. It may not suit some of the members in this house, but the Congress-led government in Punjab has highly appreciated this initiative taken by Prime Minister Modi. Uj multi-purpose project, फिर से revive हुआ. Pakkal Dol, 1000 megawatt का, biggest ever, one of the biggest in North India. Kiru, 624 megawatt. रेटले रिवाइव हुआ, 850 मेगावाट. बंकर्स का काम इन्होंने बताया, एयरपोर्ट बन रहे, कारगिल में बन रहा, किश्तवाड़ में बन रहा. देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, देविका गंगा मैया की बहन मानी जाती है, अजनी साध्वी जी मेरे साथ बैठी हुई हैं. उसका सुंदरीकरण की कभी किसी ने सोचा नहीं, उसकी स्वच्छता का कभी सोचा नहीं. ये प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से गंगा की तर्ज पर उसका काम प्रारंभ हुआ, अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगा. एम्स एक नहीं, मैं जगदम्बी पाल जी की बात में बात जोड़ दूं, दिस इज द ओनली यूनियन टेरिटरी, यू कैन अगेन चेक, इन इंडिया विच हैज नॉट वन बट टू एम्स. देर आर मेनी यूनियन टेरिटरीज विच डू नॉट हैव इवन अ सिंगल एम्स. बट आई हैव बीन इनटू दिस प्रोफेशन, आई थिंक वन ऑफ देम इज पांडिचेरी विच हैज जिपमेयर विच इज ऑफकोर्स लाइक एन एम्स, दी अदर वन इज पीजीआई. आई जस्ट टेक टू मिनट्स. इन चंडीगढ़ मोस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव इवन अ सिंगल एम्स. वो तो इतना कुछ दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन हमें लेने में दिक्कत हो रही है कि कहीं उनको क्रेडिट ना मिल जाए. वो मुकेश का गीत है, वो चिराग जी सुनाते हैं क्योंकि फिल्म लाइन से इनका ज्यादा परिचय है, कि बहुत दे गया देने वाले ने तुझको, आंचल में ना समाए तो क्या कीजिए. शैलेंद्र ने लिखा था, मुकेश ने गाया था, राज कपूर पर फिल्म आया गया था, फिल्म का नाम था तीसरी कसम. 8 से 9 मेडिकल कॉलेजेस, 8 से 9 मेडिकल कॉलेजेस पहली बार 5 वर्ष के अंदर. दिक्कत यह होती थी कि इमारतें बन जाती थी लेकिन मेडिकल कॉलेज शुरू करने में दिक्कत यह थी कि फैकल्टी नहीं आती थी बाहर. ये 5-6 अगस्त का जो परिवर्तन हुआ उसके बाद अब ये दीज विल बी फंक्शनल मेडिकल कॉलेजेस, दीज विल नॉट बी नॉन फंक्शनल मेडिकल कॉलेजेस एंड ओनली कंक्रीट बिल्डिंग्स. एक्सप्रेस कॉरिडोर दिल्ली से कटरा तक, अमृतसर और जम्मू होते हुए 6-7 घंटे में दूरी पहुंच की जाएगी. मुझे विश्वास है मैं और मनीष जी इकट्ठे जाएंगे सड़क वाहन से, ना जहाज पर बैठने की आवश्यकता ना रेल में. रेल लाइन 2022 तक पहुंच रही है. और डल लेक, डल लेक इज अ टेल टेल स्टोरी ऑफ हाउ दी लेक्स आर क्लीन. पिछले 3 साल से पिछली सरकारों में भी इतना धन गया, इतना धन गया, जितना पैसा जाता था उतना ज्यादा डल और गंदी होती जाती थी. वो क्या कहते हैं कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दर्द की दवा की. वो जितना पैसा जाता था, पहली बार यू हैव टू विजिट दैट. और इसलिए नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए. फर्स्ट टाइम आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट वी आर गोइंग टू हैव अ बैंबू प्रोजेक्ट. द लैंड हैज ऑलरेडी बीन ईयर मार्क्ड इन जम्मू, सून विल बी इन द अदर पार्ट्स ऑल्सो. इंडिया फर्स्ट कैनाबिस मेडिसिनल प्लांट इन IIIM जम्मू विच इज अंडर CSIR. नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटेक पार्क. आई कैन गो ऑन फॉर द होल डे बट आई विल नॉट बिकॉज दैट्स नॉट दी टाइम अलॉटेड. मंत्रियों की आउटरीच, द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट. 36 मंत्री केंद्र के एक बार गए हैं. अब मुझे नहीं लगता 10 साल के यूपीए में 36 मंत्री कभी जम्मू कश्मीर गए होंगे.
आप यू एजुकेट मी, आई एडमिट आई हैव डोंट हैव दैट स्टैटिस्टिक, बट यू गिव मी द काउंट. इन 10 इयर्स फ्रॉम 2004 टू 2014 हाउ मेनी ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स विजिटेड जम्मू कश्मीर? मैं नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूं. मैं आई एम नॉट यील्डिंग बिकॉज हमारे यहां एक महीने के अंदर 36 मंत्री गए हैं एंड गांव में ब्लॉक लेवल तक. वो देखिए साध्वी जी को, ये तो कीर्तन भी करके आई वहां पे. एंड दिस हैज गिवन अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल इक्विटेबिलिटी बिकॉज ऑलवेज देर वॉज अ कंप्लेन दैट देर वॉज रीजनल इम्बैलेंस एंड मोर देन दैट अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इक्विटेबिलिटी एंड देर अ हेल्दी सेंस ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम डिफीटिज्म, रिटर्न्स फ्रॉम पेसिमिज्म, रिटर्न्स फ्रॉम डेस्परेशन, रिटर्न्स फ्रॉम ऑल the slavish mentalities that had been plaguing this three regions vis-a-vis each other. Aur ye sab pehli baar anti corruption bureau bana, pehli baar grievance cell wahan bana hai. Aalam ye tha ki grievance portal bana tha, do do saal usko koi dekhta nahi tha, logon ne grievance dalni band kar di. Ghalib ka wo sher hai ki jab tawakka hi uth gayi ghalib kyon kisi ka gila kare koi. Ye aapko pata hai bada peecha kiya, koi response nahi mil raha, chodo कहीं और ट्राई करते हैं. यह हालत थी. आज पीपल हैव बिकम रिस्पॉन्सिव, दे हैव बिकम कॉन्फिडेंट. देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बिकॉज दे नो देयर इज अ गवर्नमेंट, देयर इज अ डिस्पेंसेशन विच इज रिस्पॉन्सिव. दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद देयर डिमांड्स, डिमांड्स आर बीइंग मेट, दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद देयर ग्रीवेंसेज, देयर ग्रीवेंसेज आर बीइंग एड्रेस्ड. और इसलिए अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को हमने विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाकर के खड़ा करना. एंड वी हैव सीन दिस हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट. द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज टेकन प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट इन द लास्ट 5 इयर्स इज रेवोल्यूशनरी. इट इज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड. हमारे आलोचक भी इसकी तारीफ करते हैं. और वही बदलाव अगर पूर्वोत्तर में संभव है मोदी जी के नेतृत्व में, तो कोई कारण नहीं कि यह बदलाव जम्मू कश्मीर में संभव ना हो. क्योंकि 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 मोदी है तो मुमकिन. धन्यवाद.